सुप्रभात बच्चों, आज हम जो हमने कविता देखी है अंधायुग, इस कविता के जो प्रश्न उत्तर है आज हम देखने वाले। देखो, कृति पूर्ण कीजिए, प्रभु ने इनका दायित्व लिया है। तो पहला जो प्रश्न है, प्रभु ने इनका दायित्व लिया है, युष्व और अश्वत्थामा। आगे का देखो, अंधे युग में प्रभु का एक अंश, अंधे युग में जो प्रभु का एक अंश था वो कौन सा था? निष्क्रिय और आत्मघाती, ये दो आपको लिखने हैं। अंधे युग में प्रभु का एक अंश निष्क्रिय और आत्मघाती। आगे देखो, कविता में प्रयुक्त पात्र, अब कविता में जो प्रयुक्त पात्र है उनके नाम आपको लिखने हैं, युष्व और अश्वत्थामा और वृद्ध, ये तीन पात्र कविता में आए हुए। आगे देखो, किसने किसे कहा है ये आपको लिखना है, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में, ये वाक्य किसने कहा है? यूसु ने कहा है। दूसरा है, दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर, ये अश्वत्थामा ने कहा है। बोले अवसान के क्षणों में प्रभु, मरण नहीं है वो व्याध, वृद्ध ने कहा है। किसने किसे कहा इसमें? आगे का प्रश्न देखो, पद्यांश में प्रयुक्त भाववाचक संज्ञा ढूंढकर लिखिए। अब पद्यांश में प्रयुक्त भाववाचक संज्ञा आपको लिखनी है, मुक्ति, मरण, रक्षा और भविष्य, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। दूसरा प्रश्न है, पद्यांश में प्रयुक्त एक शब्द के लिए शब्द समूह लिखिए। एक शब्द के लिए शब्द समूह लिखना है, जैसे निष्क्रिय आत्मघाती, इसको हमें शब्द समूह लिखना है। आप देखो, निष्क्रिय में आता है जो कोई काम न करता हो, और दूसरा आत्मघाती यानी अपने हाथों अपने को मार डालने वाला, उसे कहते हैं आत्मघाती। आगे देखो, संजाल पूर्ण कीजिए, अश्वत्थामा के अनुसार नए अर्थ में व्यक्ति, अब ये लिखना है आपको। अश्वत्थामा के अनुसार नए अर्थ में व्यक्ति है विकृत, अनास्थामय, आत्मघाती और अर्धबर्बर, ये अश्वत्थामा के अनुसार नए अर्थ में व्यक्ति है। आगे का प्रश्न है, कविता की पंक्तियों को उचित क्रमानुसार लिखकर प्रवाह तख्ता पूर्ण कीजिए। देखो, पहला है, अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा, जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो, जीवन लो, नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर, जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। अब इन कविता की जो पंक्तियाँ हैं आपको उचित क्रमानुसार लगानी है। तो देखो, पहली जो है इसका उत्तर क्या आता है, नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर, पहला है। दूसरा है, जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। तीसरा है, अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा, जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो, जीवन लो, ये सही क्रम है उसका। आगे का प्रश्न देखो, पद्यांश में इस अर्थ में आए शब्द है, पद्यांश में जो शब्द आए इनका अर्थ आपको लिखना है, विनाश, नया, निर्माण और हिंसक, इनके अर्थ आपको लिखने हैं। देखो, विनाश का आता है ध्वंस, नया का आता है नूतन, निर्माण का आता है सृजन, और हिंसक का आता है बर्बर। आगे देखो, पद्यांश में प्रयुक्त विशेषण ढूंढकर लिखिए। अब इनके विशेषण लिखने, नूतन और जीवित, ये पद्यांश में विशेषण आए हैं। पद्यांश में प्रयुक्त प्रत्ययुक्त शब्द ढूंढकर मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो देखो, हमें मूल शब्द और प्रत्यय अलग कर कर लिखना है। शब्द है सार्थकता, मूल शब्द आता है सार्थक और प्रत्यय आता है ता। शब्द है अनास्थामय, मूल शब्द है अनास्था और प्रत्यय आता है मय। तो ऐसे आपको मूल शब्द और प्रत्यय अलग कर कर लिखना है। आगे का प्रश्न देखो, पाठों में आए मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका अपने वाक्यों में, स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग करो। अब देखो, इन मुहावरों को आपको स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कर कर लिखना है।
पहला है पारावर न रहना यानी सीमा न रहना, इसका वाक्यों में उपयोग है। 12वीं के परीक्षा में उन्नति अपने जिले में प्रथम आई तो उसके माता पिता की प्रसन्नता का पारावार न रहा, ऐसे आपको वाक्यों में प्रयोग करना है मुहावरों का। दूसरा देखो, सिर खपाना इसका अर्थ है बहुत बुद्धि लगाना, इसका वाक्यों में उपयोग है। घंटों सिर खपाने के बाद भी समस्या का हल नहीं निकला। तीसरा है गर्व में चूर होना यानी इसका अर्थ है घमंड करना, इसका वाक्यों में प्रयोग देखो। व्यापार में थोड़ी सफलता क्या मिली, जयराज गर्व में चूर रहने लगा। तीसरा आगे घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चिंत होकर सोना, इसका वाक्यों में प्रयोग। परीक्षा समाप्त होने पर अभिनव घोड़े बेचकर सो रहा था, ऐसे आपको इन मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न उत्तर आगे देखो, पांचवा है आंखों से ओझल होना, इसका अर्थ है गायब हो जाना। वाक्य सांप हमारे देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया। छह नंबर का हाथ बटाना यानी सहायता करना, इसका वाक्यों में प्रयोग। घर के कामों में बच्चों को माता पिता का हाथ बटाना चाहिए। आगे का मुहावरा देखो, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, इसका अर्थ है स्वयं अपना नुकसान करना। वाक्य देखो, 20 वर्ष पुरानी इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर रवि ने अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मार ली। आगे का है रंगे हाथ पकड़ना यानी इसका अर्थ देखो, अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना, इसका वाक्यों में प्रयोग। शिक्षक ने स्वप्निल को परीक्षा में नकल करते रंगे हाथों पकड़ लिया। तो ये मुहावरे और इनका वाक्यों में प्रयोग ऐसे आपको करना है। तो इन प्रश्न उत्तरों को लिखकर उन्हें याद कीजिए। ठीक है, ओके।